चल बाबू आज तोरा पलामू के स्विट्जरलैंड घुमा के लावत हियौ। कैसे जइबे मर दे? अरे डाल्टनगंज से कुटुमु होते बरवाटी रेलवे क्रॉसिंग पार करे के बाद बाया गाड़ी मुड़ै है, 25 किलोमीटर के ऊपर खबर रास्ता हौ। अब ओकर बाद त बबुआ कौनो अफसोस ना रहतौ तोरा। अरे बाप रे, सही में हो बढ़िया जगह हो। ये है मंडल डैम और यहीं वो गेट लगाने की बात है जो सरकार आती है जाती है पर ये बात पूरी नहीं हो पाती है। आने का रास्ता दुर्गम है लेकिन पैसा वसूल, थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाला गाड़ी से आया जाए तो काफ़ी सुकूनदायक सुखदायक। ये नदी उधर से निकलती है वहां से, एकदम एकदम। और जब डैम बनेगा तो ये एरिया पानी से कवर हो जाएगा और यहाँ पे गेट लगेगा बराज और इसके बाद आगे पतली सी नदी निकलेगी और उधर भी नहर किधर से निकलने का बात है, यहीं से नहर निकलेगा। पर कैमरा के थ्रू वो खूबसूरती नहीं दिखाया जा सकता है जो यहाँ आने के बाद ये नहर है। एहसास है यह, ये नहर निकल रहा है इसका, ये शानदार। अभी लगता है बारिश वाइश की वजह से। हाँ। ये देखिए आदमी कितने छोटे छोटे चींटी की तरह दिखते हैं यहाँ से, बहुत सुंदर। देखिए वहाँ भी नदी का छोटा सा होता है। यहाँ पे हम लोग डैम के ऊपर हैं। यहाँ आसपास और कौन गांव है भैया? ओके भजना ओके। तो यही एरिया मतलब जल डुबाव क्षेत्र ये है ना? तो ये जो खूबसूरती है ये चला जाएगा, फिर खूबसूरती का रंग बदल जाएगा। फिर चला जाएगा। हाँ खूबसूरत रहेगा फिर भी पर रंग बदल जाएगा। आइए से नजारा देख लेले ना, अब देख नीचे से कैसन पान दिखा हो। पानी के धार तो बड़ी तेज लगत हो भाई, कहे पोरसा पानी होते ये क्रम में? नपले नखिया हो तब एकाद पोरसा से का काम होता उमर दे? भुरकी तरीका बनू ले रे बाबू, भुरकी में लगता टरबाइन और फिनु ओकर से बनता बिजली। अरे तब तो पलामू में मने कोनो मैच देखे घरी ये लाइन ना कटता तब तो। अरे तो इन्वर्टर ना रखले बड़े का अपन घरे? सोलर लगे नहीं भाई। मतलब तो बातें अलग है तो हत कहला हो पीदा का सब काम। बोल हां तो हो गले तो अथिया कहीं ना तो कहीं ना। ए भैया विद्या कसम देती है कहे नहीं केकरा डरे सब शेयर करेगा फिर जे ने लाइक करेगा कमेंट करेगा सब्सक्राइब करेगा ओकरा सबके विद्या कसम विद्या कसम।